आप सभी का स्वागत है द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार स्तोगी आज आपके सामने हम लेटेस्ट न्यूज लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश में 1 लाख भर्तियों की शुरुआत होने जा रही है 2021 में, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए आपके सामने हम जानकारी लेकर आए हैं ये न्यूज़पेपर के माध्यम से। इसमें लिखा है साफ साफ, 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियों की भर्ती कार्रवाई होगी तेज, यानी कि उत्तर प्रदेश में 2021 में लगभग 1 लाख भर्तियां आने वाली हैं और इसमें सबसे बड़ी भर्ती होगी प्राइमरी यानी कि प्राथमिक विभाग में, यानी कि भर्ती होने जा रही है जो कि टेट की परीक्षा पास कर चुके हैं, और जिन्होंने टेट की परीक्षा नहीं पास की है यानी कि टेट की परीक्षा का भी जल्द से जल्द आपका आयोजन होने वाला है। इसलिए आप लोग उस परीक्षा को जरूर पास कर लें क्योंकि उसके बाद सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन होगा और इसमें उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा सुपर टेट में जिसका टेट क्लियर हो चुका होगा। और इसमें जो रिक्त पद हैं वह 50,000 हैं और इसमें दूसरी भर्ती इसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से, इसमें यानी कि TDT और PDT के लगभग 20,000 से अधिक पद इसमें रिक्त हो चुके हैं जिसका विज्ञापन आपका जल्द से जल्द आने वाला है। और इसमें कुछ भर्तियां हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये भर्ती भी इसमें आने वाली है। और इसमें लिखा है कि लोक सेवा आयोग की ओर से लगभग 8,000 से ज़्यादा रिक्त पद हो चुके हैं, इसका विज्ञापन भी आपका जल्दी आएगा। और 2021 में यानी कि PCS का विज्ञापन भी आपका आने वाला है। और इसमें एक मौका मिला है शिक्षा मित्रों को और जो कि इसमें शामिल हो सकते हैं शिक्षक भर्ती में, इसमें साफ साफ लिखा है आपके सामने। और इसमें एक और पॉइंट लिखा है कि समूह गा की नौकरियों के लिए UPSSC की ओर से यानी कि परीक्षा कराई जाएगी और ये सबसे बड़ी भर्ती होगी उत्तर प्रदेश में, यानी कि बेसिक शिक्षा विभाग में 50,000 रिक्त पदों पर भर्ती होने जा रही है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें और ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।